इधर दिल्ली सरकार ने बजट पेश कर दिया और बजट को बेहद शानदार बताया जा रहा है, लेकिन खास बात यह है कि आमतौर पर पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बयानबाजी करने वाले आप विधायक पंकज पुष्कर भी बजट को ऐतिहासिक बता रहे हैं। पंकज पुष्कर से खास बातचीत की न्यूज वर्ल्ड इंडिया संवाददाता अभिनव उपाध्याय ने। सरकार ने अपना चौथा आम बजट पेश कर दिया है और हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत करने के लिए पंकज पुष्कर साहब हैं। ये आम आदमी पार्टी के वो विधायक हैं जो बार बार पार्टी को आईना दिखाते हैं, कभी भी पीछे नहीं हटते हैं आईना दिखाने में। इस बार का बजट पंकज भाई कैसा लगा आपको? पिछली बार का मुझे याद है आपने निराशा व्यक्त की थी। सवाल खड़े करना एक जनप्रतिनिधि होने का नाते जिम्मेदारी है। मैं आपको लोकतंत्र के इतिहास का एक नारा आज याद दिलाता हूं कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये लोकतंत्र के इतिहास में वो एक अभूतपूर्व कदम है जो एक बहुत छोटी सी विधानसभा के माध्यम से हो रहा है, जिसमें कि सरकार खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी में कुछ नए कीर्तिमान बना रही है।